हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप एक्सेल में इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, जी हाँ, एक्सेल में इंडिकेटर लगाया जा सकता है और इसका शॉर्टकट एक इन्फॉर्मेशन मैंने शॉर्ट वीडियो में दिया भी था, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, ये पूरा जो डेटा है ये स्टूडेंट के मार्क्स का डेटा है और इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलेंगे हम। ये आ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पर आप देखेंगे टॉप बॉटम और अलग अलग तरह की चीज़ें आपको दिखाई पड़ी रही हैं। यहाँ पे कलर स्केल पे आएंगे तो ये कलर स्केल कुछ इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पर आएंगे तो आइकन सेट दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडिकेटर्स दिखेंगे, तो इंडिकेटर्स लगाइए, ठीक है। और इंडिकेटर पर क्लिक कर दिया मैंने। अब आपको ये दिखाई पड़ेगा कि ये देखिए 36 नंबर पाया है तो ये फेल वाला आदमी है, ये पास नहीं है, ठीक है। 57 नंबर पाया है तो अभी सोचा जा रहा है कि पास होगा कि नहीं होगा, हालांकि पास हो जाएगा। 50 से अधिक जो भी कंप्यूटर साइंस में होते हैं वो लेवल ए लेवल में स्टूडेंट्स, तो 50% से अब उनको पास माना जाता है, या 50% भी है तो भी वो पास के कैटेगरी में आते हैं। सबसे ज़्यादा 85% से अब होता है। तो यहाँ पे जो भी 90 है, 76 है, उस पर ग्रीन टिक लगा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 64 पे भी ये एक्सक्लेमेशन का मार्क बना हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप ये इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, बहुत आसान है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।